ओके गाइस, तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें कि हम लोग फायरबेस से जब लॉगिन करें तो लॉगिन हो जाने के बाद डायरेक्टली वो होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तो मैंने फायरबेस पे लॉगिन का वीडियो बनाया हूँ कि कैसे लॉगिन करना, लेकिन मैं शायद मुझे याद नहीं है कि वो वाली वीडियो में मैंने होम पेज पे रीडायरेक्ट करने वाली चीज़ें बताया था कि नहीं बताया था, तो इसलिए मैं फिर से वो वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो यार, टाइम वेस्ट नहीं होने के लिए मैंने थोड़ा सा यूआई बनाया है। जैसे कि ये हमारा वेलकम पेज है, उसके बाद या तो साइन अप कर सकते हैं या फिर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो ये हमारा रजिस्टर का पेज आता है, साइन अप पर क्लिक करोगे तो साइन अप का पेज आता है। अब उसके बाद हमारे पास एक होम पेज भी है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जैसे लॉगिन हो जाएगा कंप्लीट तब वो हमारा होम पेज पे, एक सेकंड, हाँ ये रहा होम पेज, यहाँ पे वो रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। इस तरह से हमारा फंक्शन आज का काम करने वाला है। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग का काम क्या है कि लॉगिन वाला सिस्टम करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि अगर आप फ्लटर में लॉगिन करना ये वीडियो से सीख रहे हो तो मैं ये वीडियो में फायरबेस से लॉगिन करना अगर सीख रहे हो तो ये वीडियो में मैं गेटेक्स का यूज़ करूँगा जो कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। आप जो भी स्टेट मैनेजमेंट यूज करना चाहते हो वो यूज़ कर लो। देखो मेथड सब में सेम रहेगा, ठीक है, बस आप उसमें यूज़ कैसे करना है वो आप समझो, फंक्शन जो मैं बताऊंगा वो सबके लिए सेम ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं जल्दी से एक फायरबेस का प्रोजेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत एकदम शुरू से बता रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एक फ्रेश प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, ऐसा नहीं लगे कि भाई आपने तो सेटअप करके पहले से रखा है, थोड़ा बता दो सही से। तो मैं यहाँ पर जो मेरा ऐप है उसी के नाम से बना लेता हूँ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एनालिटिक्स अभी बंद कर देंगे क्योंकि हमारा ऐप जो टेस्टिंग में है तो कोई एनालिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। अब ये जल्दी से क्रिएट हो जाए, उसके बाद हम लोग आगे का काम करते हैं। और गाइस एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप फायरबेस को सेटअप कर रहे हो तो आपकी जो कंप्यूटर है उसमें गिट इंस्टॉल होना चाहिए। कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी यूज़ कर रहे हो उसमें गिट इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जिसमें अगर गिट इंस्टॉल नहीं है तो उसमें एरर आते हैं। तो मैंने उसको उनको तो सॉल्व किया था, लेकिन आप ध्यान रखना ये बात को। अब चलते हैं यहाँ से फ्लटर का सेटअप करते हैं। और अगर आपने कभी भी फायरबेस का सेटअप नहीं किया है तो मेरी एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो पड़ी हुई है जो देख सकते हो आप, लेकिन अगर आपने किया है तो आपको सिंपल सा ये काम करना है, फायरबेस लॉगिन लिखना, यहाँ से कॉपी करना है और अपना सी एम डी खोलना है यानी कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे लाकर पेस्ट करना है और देखना है कि जो ईमेल आईडी से आपने फायरबेस का अकाउंट बनाया है, अभी जो प्रोजेक्ट बनाया है वही ईमेल आईडी से लॉगिन है कि नहीं है। ठीक है, मेरा वही ईमेल आईडी से लॉगिन है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये वाला कोड को कॉपी करेंगे। ये वाला कोड कॉपी करने के बाद मैं इसको अपनी जो प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना गाइस, जो प्रोजेक्ट है उसकी रूट डायरेक्टरी में आकर यहीं पे पेस्ट करना। आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके अगर आप वहाँ पे पेस्ट करोगे तो वो कमांड प्रॉम्प्ट डायरेक्टली किल हो जाएगा, वो बार बार कट जाएगा। तो फिर आप बोलोगे जब मैं जैसी कमांड को पेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा टर्मिनल ही बंद हो जा रहा है, तो वो एरर आती है तब आएगा जब आप उसको यहाँ पर पेस्ट नहीं करके कमांड प्रॉम्प्ट पर डायरेक्टली पेस्ट करोगे तब वो एरर आएगा। ये एरर भी बहुत लोग को आ रहा था, इसीलिए मैंने दोबारा वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं पहले एक वीडियो डाल दिया था फायरबेस सेटअप का, फिर मैंने दोबारा बनाया क्योंकि ये प्रॉब्लम सबको आ रही थी। चलो अब यहाँ से हम लोग दूसरा कोड को कॉपी करेंगे, ये वाला कोड कहाँ, अरे हाँ ये रहा, ये वाला कोड को कॉपी करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एक सेकेंड, ये पेस्ट हो गया। अब इंटर दबाएँगे, इंटर दबाने के बाद ये ऑटोमेटिक सारा चीज़ें सेटअप कर लेगा। अगर आप पहले सेटअप किए हो कभी तब ये, अगर आपने कभी पहले सेटअप किया है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में फायरबेस को तभी ये प्रोसेस आपको काम करेगा। अगर आपने सेटअप नहीं किया है तो वो वीडियो देखना, उसमें मैंने डिटेल से बताया कि शुरू से सेटअप कैसे करते हैं, क्योंकि ये वीडियो सेटअप के लिए नहीं है तो मैं ज़्यादा इसमें फोकस नहीं कर रहा हूँ कि सेटअप कैसे करते हैं। ये वीडियो है
ऑथेंटिकेशन के लिए कि हम लोग कैसे ऑथेंटिकेशन करते हैं। अभी यहाँ पे सारे चीज़ें हम लोग डाउनलोड करेंगे धीरे धीरे, ये अपना काम कर रहा है, कुछ फाइल से डाउनलोड करेगा। तो आपको यहाँ पे टर्मिनल बंद नहीं करनी है, नेटवर्क भी होना चाहिए आपका में, ठीक है, सारे चीज़ें सही से रहने दो, इसका काम करने दो, आप तब तक आराम कर लो आराम से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपनी फायरबेस पे, यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं, ये एक चीज़ हो रहा है, इसको भी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपन लोग चलेंगे यहाँ पे मेन में, मेन में आने के बाद ऊपर में यहाँ पे इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे और ऊपर लिखना है फ्लटर विजिट्स, क्या लिखा था यार, विजिट बाइंडिंग डॉट इंस्टेंस तो नहीं लिखा था, एक सेकंड गाइज मैं भूल गया कि आगे क्या लिखा था। तो मैं अपना वेबसाइट पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं इसीलिए सेव करके रखता हूँ कि जब मैं भूल जाऊँ तो यहाँ से मैं उठा लूँ आराम से। आई थिंक यहाँ पे मैंने लिख के रखा होगा, अरे बहुत ही छोटा सा कोड मैं भूल रहा हूँ। ओके तो ये लिखना है विजिट फ्लटर बाइंडिंग इनिशियलाइज्ड, ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और इस ये सारी चीज़ को अभी आपको बारी बारी से ऐड करना है। लेकिन अभी ऐड नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग फायरबेस का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहला प्लगइन जो है, अब हम लोग चलते हैं फायर बेस फ्लटर, तो यहाँ पे एक सेकंड, उस पर नहीं, नीचे आना पब डॉट डेव में और इसको यहाँ से कॉपी करना है। सबसे पहले फायरबेस कोर को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ से मैं चलूँगा यहाँ पे और इसमें डिपेंडेंसी में आकर ऐड कर देंगे, सबसे पहला हो गया। उसके बाद अब देखते हैं कि और कौन सा आ रहा है, फायर बेस, अभी एक हमको चाहिए ऑथ का, क्योंकि हम लोग ऑथेंटिकेशन करेंगे जिससे कि हम लोग लॉगिन कर पाएंगे, तो ये वाला पैकेज तो बहुत ज़रूरी है, इसको हम लोग ऐड कर लिए। ये दो चीज़ें ऐड होने जाने के बाद बस इतना ही काम है, अब हम लोग को कोई भी फायरबेस का प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं और अब मेन में आकर इसको इम्पोर्ट करने की कोशिश करो, अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो एक बार आप अपनी जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा बंद करके और फिर से रीस्टार्ट करो, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा। अब देखो यार एक चीज़ अभी चेक कर लेना कि अगर आपने ऐप को रन किया है तो एक बार रीस्टार्ट कर लो उसको, अगर कोई भी एरर अभी आएगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखो ये दे रहा प्लेटफॉर्म एक्सेप्शंस चैनल एरर अनेबल टू एस्टेब्लिश कनेक्शन नल नल दे रहा, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ कि जब भी इस तरह से का एरर आए तो एक बार इस तरह से ट्राई करो, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिखो फ्लटर रन लिखो और इसके बाद ये जो एरर है उसके बाद देखते हैं क्या आता, अगर ये सॉल्व होती है इस तरह से तो ठीक है, मैंने एक बार ऐसे ही सॉल्व किया था, क्योंकि ये जो एरर है यार वो कहीं पे नहीं मिलेगा अगर आप खोजने जाओगे तो। आप नॉर्मली मैंने जो इसका लूप होल निकाला वो यही है कि फ्लटर रन लिखो, उसके बाद जो कमांड आएगी उस पर एंटर करना, देखते हैं थोड़ा वेट करते हैं। तो गाइज मैंने जैसे ही फ्लटर रन को रन किया था तो एक सेकंड, हमारा जो ऐप है वो सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। और एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, अब इसको स्टॉप करते हैं और इसको फिर से अपना डिबगर पे रन करेंगे। आप गाइस इस तरह से फ्लटर रन कर कर कभी ऐप को मत चलाना, हमेशा डीबग करके चलाओ, उससे आपको पता भी चलेगा कि आपका जो ऐप है वो कहाँ पे एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जब तक रन होता है मैं वेट करता हूँ। ओके तो हमारा ऐप रन हो चुका है, अब चलते हैं, इसका ऐप एक बार रन हो गया इसका मतलब ये है कि हमारा जो फायरबेस है वो सही से सेटअप भी हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं अपना फायरबेस पे और अब काम अपना क्या है वो मैं बताता हूँ, इसको ऐड कर लेते हैं, कंसोल पे चलेंगे
और यहाँ पे आपको चलना है बिल्ड पे और ऑथेंटिकेशन पे। ऑथेंटिकेशन पे आने के बाद आपको यहाँ से गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग अब इसमें लॉगिन और साइन अप करने वाले हैं। तो देखो यार, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट ही रहता है बस। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं ईमेल एंड पासवर्ड का यूज करूँगा, क्योंकि एक बार मैंने आपको बता दिया कि इसका यूज़ कैसे होता है, फिर आप किसी भी ऑथेंटिकेशन का यूज आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ईमेल पासवर्ड को इनेबल करने के बाद अब आपका काम है ऑथेंटिकेशन करना। सबसे पहले देखते हैं यूजर्स, जो भी लोग ऐड होंगे वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, जितने लोग को भी आप साइन अप या लॉग इन करवाओगे वो यहाँ पे आता जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं अपना काम करने। सबसे पहले अपना ऐप पे आ जाएंगे, और मैं एक कंट्रोलर बनाता हूँ हमेशा। कंट्रोलर किस चीज़ का है? तो कंट्रोलर इसलिए मैं बनाता हूँ, देखो यार, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान नहीं देना, ये सारा चीज़ें मैंने किसी और काम के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको नहीं देखना। सबसे पहले हम लोग करवाएंगे रजिस्टर के लिए। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा सबसे पहला काम, यहाँ पे एक सेकंड, मैं भूल रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन देखने दो मुझे। CFI ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे ठीक है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो फायरबेस इंस्टेंस का हमको एक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे, और मैंने एक क्लास लिया है जो कि गेटेक्स का कंट्रोलर है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइनल, एक फाइनल ऑथ लिखूँगा, ऑथ इक्वल टू फायरबेस इंस्टेंस, और इसको बंद कर दूँगा। और ये चीज़ों को इंपोर्ट कर लेना, फायरबेस ऑथ को। और एक सेकंड, अगर हाँ इंस्टेंस ऐसे ही रहने देना। ठीक है, ये हो गया। अब ये इंस्टेंस इसीलिए बनाते हैं ताकि हम लोग फायरबेस ऑथ को यूज़ कर पाएँ। अब हम लोग चलते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे void साइन अप के नाम से, साइन अप। और साइन अप में हम लोग क्या करेंगे कि नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे। तो नेम और ईमेल आईडी और पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पे तीन टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाता हूँ। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, सबसे पहला का नाम नेम ही रखता हूँ, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। और वैसे तो अभी नेम का कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद हम लोग लेंगे ईमेल आईडी, ईमेल, फिर लेंगे पासवर्ड। ठीक है, और ये जो कंट्रोलर है वो यहाँ पे लगे हुए होना चाहिए। तो मेरा अभी लगा हुआ नहीं है, तो मैं जाके एक बार जल्दी से लगा लेता हूँ। पेजेस में साइन अप में जाएंगे, और साइन अप में आने के बाद हमारा जो कंट्रोलर है, सॉरी, टेक्स्ट एडिटिंग फील्ड है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑथ, ऑथ का इंस्टेंस मैंने बना रखा है पहले से। तो मैं आऊँगा कहाँ पे, यहाँ पे ऑथ डॉट नेम सबसे पहले, फिर ईमेल के लिए ऑथ कंट्रोलर डॉट ईमेल, एंड पासवर्ड के लिए यहाँ पे आएंगे कंट्रोलर ऑथ कंट्रोलर डॉट पासवर्ड। यानी कि सबका मैंने लगा दिया, यानी कि अब जो भी यहाँ पे इनपुट करेंगे वो हमारा यहाँ पे मिल जाएगा नॉर्मली। ठीक है, अब हमको क्या करना है वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे एसिंक लगाओ, जिससे कि हम लोग को वेट करने में कोई दिक्कत नहीं हो। फिर लगाएंगे अवेट, और यहाँ पे लिखेंगे ऑथ डॉट साइन अप विथ ईमेल एंड पासवर्ड, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपका जो भी ईमेल आ रहा है वो ईमेल डाल देना, और जो भी पासवर्ड आ रहा है उसका पासवर्ड डाल देना। इतना करते ही आपका साइन अप हो जाएगा। लेकिन जब हम कंप्लीट होता है तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो साइन अप है वो कंप्लीट हो चुका है? तो डॉट लगा के व्हेन कंप्लीट लिखोगे तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा, प्रिंट साइन अप कंप्लीटेड। ठीक है, इस तरह से मैं अभी प्रिंट करवा रहा हूँ, और हम लोग कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग अच्छा प्रैक्टिस के लिए ये पूरा को कट करेंगे यहाँ से, और इसको ट्राई और कैच वाली ब्लॉक में डाल देंगे।
ट्राई लिख दी और यहाँ पे लिख देंगे कैच, और कैच में अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो उसको भी हम लोग यहाँ से गेट कर लेते हैं ईएक्स, और जो भी एक्सेप्शन आएगा उसको हम लोग कर देंगे प्रिंट। तो यहाँ पे ईएक्स लिख देते हैं और बस इतना होने के बाद अब हम लोग ये वाली जो फंक्शन है उसको हम लोग कॉल करेंगे ये वाला बटन पर। तो चलो उसको कॉल करते हैं। तो हमारा जो साइनअप वाला पेज है वो ये है और इसकी जो बटन है वो हमारा यहाँ पे है। तो मैं लिखूँगा auth controller डॉट साइन अप। बस इतना करते के साथ हमारा ये काम हो गया। अब हम लोग फाइनली चेक करेंगे कि हमारा जो कंट्रोलर है या फिर हमारा जो साइनअप वाली फंक्शन वो काम कर रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ और ईमेल डालते हैं, ईमेल डालने के बाद पासवर्ड डालता हूँ। मैं पासवर्ड में एडमिन ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब एक बार साइनअप पे क्लिक करेंगे। साइनअप पे क्लिक तो मैंने किया लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो अगर डिबग कंसोल में आए तो यहाँ पे लिख दिया साइनअप कम्प्लीटेड। अब साइनअप कम्प्लीटेड हुआ लेकिन देयर इज़ नो रिकॉर्ड टू, हाँ ठीक है। अभी हम लोग चलेंगे फायरबेस में और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे कि यहाँ पे आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे देखो कोई भी यूज़र्स नहीं आया। तो एक बार चेक कर लेता हूँ कि एरर क्या आ रहा है मेरा। तो गाइस एक चीज़ में बहुत बड़ी गलती कर दिया था लेकिन मैंने वहाँ पे चेक नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड लिख दिया था मैंने लेकिन यहाँ पे लिखना चाहिए था हम लोग को क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे गलती था। आप एक बार चेक कर लेना कि आपने वही सेम टू सेम मेरे को देख के लिखा था क्या। अगर यहाँ पे साइन इन विथ लिखा होगा तो चेक कर ले, चेंज कर लेना, ठीक है। अभी मैंने इसको किया है, अभी इसको चेक करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडमिन और ईमेल में भी admin@gmail.com और फिर पासवर्ड में भी मैं एडमिन लिखता हूँ और साइनअप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे साइनअप कम्प्लीटेड हो गया, पासवर्ड शुड बी एट लीस्ट 6 करेक्टर। यहाँ पे एरर आया एक, ठीक है। अभी एरर आया तो हम लोग इसको बनाते हैं 1 2 3 4 इस तरह से और साइनअप। अभी ये साइनअप के हम लोग साइनअप कम्प्लीटेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे यूजर का सारे चीज़ आ गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक एडमिन का ईमेल के ना ईमेल एडमिन ईमेल के नाम से एक यूजर रजिस्टर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग कर लिए यानी कि साइनअप हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि लॉगिन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो चलो देखते हैं लॉगिन के लिए। तो मैं यहीं पे एक फंक्शन बनाऊंगा void login और यहाँ पे मैं लिखूँगा await, एक सेकंड इसको async भी बना लेते हैं थोड़ा async, और यहाँ पे मैं लिखूँगा await। await लिखने के बाद auth डॉट लॉगिन, एक सेकंड क्या प्रॉब्लम आ रही है, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड करना और यहाँ पे जो भी ईमेल और पासवर्ड आपका है वो डाल दो यहाँ पे टेक्स्ट और यहाँ पे लगा दो व्हेन कंप्लीटेड। जब कंप्लीट होगा साइनअप तो हमारे पास एक मैसेज आ जाना चाहिए जो कि मैसेज मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ और वो मैसेज रहेगा हमारा प्रिंट साइन साइन इन कंप्लीटेड। अरे यार क्या हो रहा आज, ठीक है। कंप्लीटेड मैंने लिखा और यहाँ पे इतना काम करते के साथ ही हमारा काम कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी काम क्या है कि ये वाली चीज़ें हमको ऐड करना है लॉगिन वाला पेज में और ये बटन पे लॉगिन वाला चीज़ें को भी ऐड करनी है, ठीक है। तो चलो फंक्शन पूरा ऐड करते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन वाला पेज कहाँ है, ये रहा लॉगिन का पेज और साइन इन वाला बटन यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये है डाला हुआ, ठीक है। auth controller का इंस्टेंस बना हुआ है, तो इंस्टेंस बना हुआ तो ईमेल आईडी का जो ये है उसमें लिखूँगा मैं auth डॉट ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल का कंट्रोलर मैंने डाल दिया
और पासवर्ड में मैं एक सेकंड ऑथ डॉट पासवर्ड ये भी डाल दिए, और साइन अप का जो बटन है उस पे जाके ऑथ डॉट साइन इन सॉरी साइन इन लॉग इन सॉरी लॉग इन से अपन लोग बनाए लॉग इन। इतना करते के बाद हम लोग एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद हम लोग एक बार लॉग इन करके देखते हैं, ठीक है। सारा चीज़ डाला हुआ था, एक सेकंड मैं फिर से डालता हूँ admin@gmail.com और admin1234 यही पासवर्ड था हमारा। इतना करने के बाद साइन इन करेंगे, अगर साइन इन हो गया तो यहाँ पे लिख दिएगा साइन इन कम्प्लीटेड, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे साइन इन कम्प्लीट नहीं करते हैं तब हमको कुछ और एरर आने वाली है, जो कि एरर आता है रॉन्ग पासवर्ड इनवैलिड, ठीक है। तो ये चीज़ों को भी हम लोग हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे एक सेकंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ एरर अकर एरर कॉज्ड और यहाँ पे वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ गाइस कि कौन कौन सी एरर आती है, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैं कौन कौन से मतलब इसमें कौन कौन सी एरर आती है। तो डायरेक्टली यहाँ पे ट्राई कैच का यूज़ करेंगे, ट्राई लिखा मैंने, और यहाँ पे कैच लिखेंगे और कैच में ईएक्स और यहाँ पे प्रिंट ईएक्स, ठीक है। तो जो भी एरर आएगा इधर प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार चेक करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको रीस्टार्ट किया तो रीस्टार्ट होने दो। एक बार कुछ भी डाल के देखता हूँ मैं कि क्या रिस्पांस करता है। साइन इन पर क्लिक करेंगे तो ये लिखा साइन इन कंप्लीटेड, फिर भी लिख रहा है यार। एक सेकंड नहीं नहीं ये तो गलत बात है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ अभी और इसको यहाँ पे रखते हैं और इसके नीचे मैं लिखता हूँ प्रिंट साइन इन कंप्लीटेड, ठीक है। वहाँ पे अच्छा से काम नहीं कर रहा, यहाँ पे करना चाहिए। जैसे हम साइन अप पर क्लिक करेंगे तो अब सही रहा, यहाँ पे ईमेल आईडी इज बडली फॉर्मेटेड बैडली फॉर्मेटेड, ठीक है, यानी कि हमारी ईमेल आईडी सही होना चाहिए। तो अभी देखो गाइस वहाँ पे मैंने जो ये वाला लगाया प्रिंट वेन कंप्लीटेड इसको हटा देना आप, ठीक है, ये बकवास है। आप नॉर्मली लगाओ यहाँ पे, ये वाली फंक्शन ख़त्म होगा जब ये चलने के बाद, तो उसके बाद साइन अप कंप्लीटेड लिख दो, जब ये फंक्शन चलेगा उसके बाद लॉग इन कंप्लीटेड लिख दो, इतना हो जाएगा। अब साइन इन पे जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे admin@gmail.com और फिर से यहाँ पे लिखते हैं admin1234। अब एक बार लॉगिन पे करते हैं तो यहाँ पे लिखा पासवर्ड एरर, ठीक है, यहाँ पे इनवैलिड पासवर्ड इज इनवैलिड। अगर हम इसको कैपिटल करें, अरे यार ये मैं जब भी प्रेस करता हूँ बैक स्पेस तो एरर आ जाती है, तो उससे टेंशन नहीं लगा। तो मैं यहाँ पे एडमिन कैपिटल कर दिया, अब लॉगिन करते हैं तो अब देखो दिखाया साइन अप साइन इन कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब हमको काम क्या है कि जैसे साइन इन कंप्लीटेड हो जाएगा तब हमारा होम पेज पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जब भी साइन इन कंप्लीट होता है तो ये वाली लाइन पे कॉल होती है, तो इसके नीचे वाला जो लाइन है उसमें क्या लिखेंगे, जिस भी रूट से आप काम करते हो, जो भी रूट आप चलाते हो, मान लो आप गेटेक्स की ही रूट यूज़ करते हो, तो मैं तो गेटेक्स का ही रूट यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पर नॉर्मली लिखूँगा गेट डॉट ऑफ ऑल, ज़रूर लिखना यार, क्योंकि एक बार जब यूज़र लॉगिन स्क्रीन को कंप्लीट करके होम पेज पे जाता है तो वहाँ से बैक आने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए जब तक वो लॉग आउट नहीं करता है, ठीक है। तो ऑफ ऑल लिखने का मतलब है कि एक बार जो भी पेज पे आप ऑफ ऑल करके भेज दिए तो वहाँ से यूज़र वापस नहीं आ सकता है, ठीक है। ऑफ ऑल करेंगे और यहाँ पे होम पेज लिखेंगे, होम पेज लिखने के बाद सेव कर देंगे और यहाँ पे एक बार ऐप को रीस्टार्ट कर लो आप। ऐप रीस्टार्ट होने के बाद जैसे यूज़र लॉगिन हो जाएगा, एक सेकंड, तो साइन इन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं डालता हूँ अपना ईमेल आईडी admin@ ओहो इसको कंटिन्यू करते हैं जी मेल
.com और यहाँ पे एडमिन 1234, पासवर्ड सही है ना, 3 नहीं डला है, चलो 3 डाल दिया मैंने। अब साइन इन पर क्लिक करते हैं, तो एक सेकंड, यहाँ पे आया क्या, इनवैलिड पासवर्ड। ओके, तो पासवर्ड यहाँ पे मेरा इनवैलिड हो गया 2 3। ठीक है, अब हम लोग करेंगे साइन इन पर क्लिक। तो जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे तो ये देखो गाइस, साइन इन पर जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद हमारा होम पेज पे आ गया, और अब होम पेज से वापस जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है जब तक वो लॉग आउट नहीं करेगा। अब लॉग आउट कैसे कोई करेगा वो भी अपन लोग देख लेते हैं। तो जैसे हम लॉग इन और साइनअप का फंक्शन बनाए, वैसे मैं बनाता हूँ एक लॉग आउट का फंक्शन। ठीक है, लॉग आउट का फंक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसको भी एसिंक बना देता हूँ, और एसिंक बनाने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवेट auth.auth.साइन आउट करके एक फंक्शन आती है, साइन आउट लिखो। और ये फंक्शन जहाँ पे भी आप कॉल कर दोगे, मान लो मैं ये वाले जो बटन है प्रोफाइल उस पर मैं कॉल कर रहा हूँ, तो एक सेकंड, मैं चाहता हूँ कि जैसी वो साइन आउट हो तो वैसी वो पहुँच जाए, कहाँ वैसे ही वो पहुँच जाए हमारा लॉगिन वाला पेज में, यानी कि मैं चला देता हूँ उसको वेलकम स्क्रीन में, वेलकम पेज पर। ठीक है, अब मैं ये वाली फंक्शन को ये वाला बटन के ऊपर कॉल करूँगा तो वो हमारा होम पेज में, तो होम पेज पे चलेंगे और सबसे पहले ऑथ कंट्रोलर का यूज़ करेंगे। गाइज, अगर आप सिर्फ लॉगिन पर ट्रांसफ़र करने के लिए सीखने आए थे तो आपका मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ, अगर आगे भी सीखना तो वीडियो देखते रहो क्योंकि थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हाँ जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑथ कंट्रोलर को डाल दे रहा हूँ। अगर आपको ये ऑथ कंट्रोलर क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है तो गाइज़ आपको पहले गेटेक्स पढ़ना पड़ेगा, जिसका मैंने बहुत ही अच्छा सा वीडियो डाल के रखा हुआ हूँ, तो वो भी जाकर आप देख सकते हो। तो इसका जो हमारा बटन है वो होगा हमारे पास कहाँ पे, ये रहा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखेंगे auth.logout, और जैसे ही हम लोग लॉग आउट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, वैसे ही हमारा साइन इन वाला पेज फिर से आ जाएगा, और फिर से हम लोग साइन इन करके वहाँ पे वापस जा सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको साइन इन करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको लगे कि हाँ सब चीज़ सही से काम कर रहा है। तो पासवर्ड चेक कर लेते हैं, सही है, साइन इन पर क्लिक करेंगे तो जैसे साइन इन हो गया तो होम पेज पर आ जाएगा, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो लॉग आउट होकर फिर से साइन इन वाला पेज पर चला जाएगा। तो गाइस, ये रहा फायरबेस का ऑथेंटिकेशन वाली एक अच्छी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आगे कौन सी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।